पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व संग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपेशुंदुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई ही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे सैस 88 उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे सैस 88 उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहूं जो देवो सोख। जय अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए।
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समान। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बां। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सोजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहां आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहां पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही सबद स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहाँ पीड़ा बहुत होती है जब इसको
तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। निराकार समझो वो काल जो है, उसी काल तो साकार है, उसी की ये एक, इस काल को समझ लो, मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जो इस जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जावे। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहां सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदि बना देता है कि जिस समय परमात्मा का यह समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है, आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं कहते पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसके। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर की समझ लो, इस
जीव के पुनों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है। वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की, और फिर वो दो जन्म उसके हो गए, तीन हो गए, चार हो जाएंगे, दस हो जाएंगे, पचास हो जाएंगे, और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में जिस भी मतलब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कराते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहज दास का, कभी जोगजीत का, तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि ये भी काल भी परमात्मा का ही पुत्र है, हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परम पिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकालना मत, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया, अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे, इससे कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, मैं किस क्या उद्देश्य से लेकर आया हूं, मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा, तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंध में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो, ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाशकरण आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने
अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिसमें उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई गाल भी घाल देता है और आपने उपदेश प्राप्त है, तो उसमें अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो असहाय हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योत निरंजन काल की, ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आकर। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ कर मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लग गया, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्समाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत गणी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि तीन युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा तो उनके निकट नहीं जा सकेगा और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि तीन युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हरमोय दीजे तब तुम संसार गवन संसार ही कीजे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु।
ऐसे ही होगा, क्योंकि मालिक को पता है जब मेरे ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहाँ के क्या करूँगा ले जाकर के ऐसे मूर्खों को, ऐसे तो हम पहले थे वहाँ पर गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम स्वइच्छा से यहाँ आए हैं, स्वइच्छा से वहाँ जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहाँ सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है, जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक शीरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो, भक्त वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ होले तैयार, वो एकदम त्यौर बदल गया। नहीं जब करबद खड़ा तो हाथ जोड़े था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत, बेसिक संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाज बखाने, ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ूंगा कौन इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज गए। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समूही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा, कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक, कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था कि काल जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था, इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2500 वर्ष, अब जो आज से 2-2500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को, 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जो प्रगट थे उसी समय,
नानक साहब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया? आदरणीय नानक साहब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी, और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है, और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया, उन्होंने कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में, और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं, हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है, उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी 125 वर्ष के अंदर, और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते, आंख मीच कर बैठ जाओ ढाई घंटे सुबह, ढाई घंटे शाम, और नाम पांचों काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा, ये खील तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी पानी की व्यवस्था करते हैं, इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म हुआ तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जला करते थे, चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए, वो लायत इसी करते थे, छोटी जल्दी हो जाती समाप्त हो, लेकिन कुछ ने कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई, ये बाले के बाले योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में, इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे, एजिटीज हैं ये, या सराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा इतनी दुनिया ने, 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे, एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का आगे 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है,
इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं, ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए हैं। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का, ये तो नाश नाश कर सके है। जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रैम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, उस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थी इस नालायक तई, पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कर कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये, जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुनकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है, पिछले संस्कार वश, और वो दुरुपयोग करता है यू काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए, पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाओगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे, उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे, वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है, इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्ययुक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटता घटती आ रही है सत्र हमारे पुनों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को, और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है, ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है, और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए बिल्कुल, भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसे चिंता थी नहीं, तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी
जो 30-30 वर्ष 20-20 वर्ष 10-10 वर्ष वह साधना कर किया करते थे और वह उनको सुख होते थे और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईव उनकी ब्रेन मटी होगी इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सर साड़े आशा राम राणा नो है ईसा तो हम साला सर जाया करते जब भी वाया करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुनों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है, और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे और को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।